जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको कॉस्ट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर होगा, ये तकरीबन 7 चैप्टर के बस 2 सवाल लास्ट हैं, और ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अबाउट एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद नॉर्मल लॉस। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको फिर। डाटा आपके सामने दिया गया है, फॉलोइंग कोर्स are charged during October to Department 202 of ISAR Industrial Works. Cost from preceding department, जो पिछले department cost receive हुई है, वो आपकी 3,11,850 है। Material 99,000, labor 66,000, factory overhead उसने कहा 50% आप direct labor का लेना। Direct labor आप 66,000 है, इसका 50% लोगे 33,000 आ जाएगा। Department 3 receives 33,000 units from preceding department. इनके हम लोग काम कर रहे हैं second department में, और जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था उससे रिसीव हुआ और इसने आगे से ट्रांसफर कर दिया थर्ड डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसने रिसीव किया 33,000 यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट एंड ट्रांसफर्स 29,000 यूनिट्स टू फिनिश्ड गुड्स। ओके सॉरी, ये बेसिकली आपका उसने थर्ड, ठीक है, लिखना था। आप थर्ड की बात कर रहे हो, अब थर्ड डिपार्टमेंट की बात हो रही है। 33,000 यूनिट्स उसने रिसीव किया पिछले डिपार्टमेंट से, और 33,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालने के लिए, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आप जो कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है 3,11,850 डिवाइड करोगे तो आपकी जो आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट 29,000 ट्रांसफर किए हैं जो कि फिनिश्ड थे, और 2,500 जो यूनिट्स हैं आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन प्रोसेस यूनिट्स इज एस्टीमेट्स एज 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट एंड 20% यूनिट्स 30% कंप्लीट एंड 10% यूनिट्स 20% कंप्लीट। ठीक है, remaining units are lost during processing. This loss is considered as normal. So prepare करें आप CPR. तो देखते हैं इसको। जी तो students, आपके सामने average degree of completion का with normal loss question number 727 show हो रहा है। ISAR Industrial Works Department number 202 cost of production report for the month ending October. Quantity schedule है, units है आपके, ठीक है। quantity schedule में आप देखें यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके हैं जी 33,000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आपके 29,000, यूनिट्स आपके लॉस्ट हो गए नॉर्मल लॉस 1,500 का, और यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस 2,500 है। वो 2,500 का 40% लेंगे, 40% यूनिट्स 50% कंप्लीट, 30% यूनिट्स 40% कंप्लीट, 20% यूनिट्स 30% कंप्लीट एंड 10% यूनिट्स 20% कंप्लीट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यूनिट्स की उसने बात किया कि जी इतने यूनिट्स आपने निकाले हैं वो इतने परसेंट कंप्लीट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा जी, तो ये आपके हैं। एक बात स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर याद रखनी है, बच्चे बार बार इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि जी ये 30% क्या है और 40% है, दो बार परसेंटेज ली हुई है, क्यों ली हुई है, कैसे ली हुई है। देखो यहाँ पर मैंने ना एक परसेंटेज लिख दी है, साथ में उसकी स्पेसिफिक नेम भी लिख दिया। देखो जो पहला 40% लिखा हुआ है ना उसका आगे यूनिट्स लिखा हुआ है, फिर 50% लिखा हुआ है उसका कंप्लीट लिखा हुआ है। जो पहली परसेंटेज है ना उसको अगर आप देखो, आप टोटल करो तो 40, 30, 20, 10 प्लस करें तो 100% होती है। ये अकॉर्डिंगली यूनिट्स हैं जो कि हमने 2,500 के यूनिट्स देखने के जी इतने यूनिट्स थे, उन यूनिट्स का इतने परसेंट कम्प्लीट है अकॉर्डिंग टू मटेरियल लेबर एंड FOH। ठीक है, यानी कि 40% अगर हम यूनिट्स निकालते हैं 2,500 के तो वो जितने भी आएंगे उसकी हम बात करेंगे, उसके मुताबिक वो उतने जो यूनिट्स हैं उसका वो 50% कंप्लीट है एज टू मटेरियल लेबर एंड FOH। ठीक है, ऐसे मजीद करते हैं के बाद हमें समझ आती है। बहरहाल आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी और क्लियरिटी समझ आ जाएगी। फिर भी आपको समझना है तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में या पर्सनली आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी आप देखें कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी 3,11,850 है, और मैंने आपको बताया आपने इसी कॉस्ट निकालने के लिए वही नंबर ऑफ यूनिट्स आपने डिवाइड किया है, और नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास जो पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे आपके 33,000 थे। अगर आप 3,11,850 को डिवाइड करो 33,000 पर तो आपके पास आती है 9.45, ये पर यूनिट कॉस्ट आगे पिछले डिपार्टमेंट की। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपने निकालने मटेरियल लेबर एफएच के लिए हाथ से 99,000, 66,000 और 33,000। टोटल कॉस्ट एडिट आपने की 1,98,000, दोनों का आपने ऐड किया 3,11,850 को और 1,98,000 को, आपका आ गया 5,09,850। या फिर टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आगे। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी ऊपर आई हुई है 9.45,
इसके बाद अब आपने इनकी निकालनी पड़ी उनको, तो जाते हैं हम लोग एडिशनल कंप्यूटेशन पर। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि 40% यूनिट्स, 30% यूनिट्स, 20% यूनिट्स, 10% यूनिट्स, ठीक है? ये बेसिकली आपके यूनिट्स है, ये यूनिट्स की परसेंटेज है, और अगर आप इसको टोटल करते हैं 100% आता है, और इसके बाद जो है ना 50%, 40%, 30%, 20%, ये आपके कंप्लीशन की डिग्री है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। आपने याद रखना है, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं समझने में कि जी ये दो दो परसेंटेज क्यों आ रही है, इसको कैसे हम इसको सोल्व करना है, हम कैसे देखना है। देखो 2500 आपके यूनिट जो कि स्टिल इन प्रोसेस है, और उसका आप अलग से परसेंटेज निकाल रहे हो कि जी 40% निकाला तो इतने यूनिट्स आ गए, 30% निकाला तो इतने यूनिट्स आ गए, 20% निकाला, 10% निकाला तो उसके इतने इतने यूनिट्स आ गए। अब आपने देखना, आपने यूनिट्स तो निकाल लिए हैं, अब उनकी आपने देखना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी है, आखिर वो मटेरियल, लेबर और FOH के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट है, वो आपने निकालनी है। तो इसमें बेसिकली ये बात देखो ना, अगर आप इसको टोटल करते हो 100% कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कोर्स चार्ज टू डिपार्टमेंट में। बस आपने ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, जहन में रखना है, इंशाल्लाह आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, देखिए आप कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपको 311,850, अगर आप डिवाइड करते हैं 33,000 पर, जो कि आपने यूनिट्स रिसीव किए थे, आपके आ जाते हैं 9.45 पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपने रिस्पेक्टिवली लिख ली, मटेरियल लेबर एफएच की 99,66 and 33,000, प्लस किया 1,98,000 आ गया, इसको हम प्लस किया 3,11,850 में, तो आपका टोटल आ गया कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 5,09,850। अब आपने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। हम लोग वापस जाएंगे एडिशनल कंपटीशन पर। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एडिशनल कंपटीशन शो हो रही है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आपके हुए 29,000, ठीक है? अब आपने निकालना है यूनिट स्टीलिंग प्रोसेस। 2500 का आपने लिया 30%, 40%, 20% एंड 10%, जितना आया उसका आगे से आपने 40, 50, 30 एंड 20 ले लिया, तो वो आपके आगे 300, 500, 150 and 50, उनका आपने एडअप किया, तो आपके आगे 1000 यूनिट्स आपके कंप्लीट हैं एज टू मटेरियल, लेबर एंड FOH जो कि स्टिल इन प्रोसेस है, ठीक है? तो ये आपके 29,000 प्लस 1000, ये आपके आगे 30,000, ये आपकी होगी जी एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन अभी कितनी है 1000, तो 30,000 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट पर। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो 30,000 आपकी टोटल हुई थी, 29,000 जमा 1,000, 30,000 आपको होता है ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन टोटल आपके जो हुए थे, उनको आपने रख कर तीनों के नीचे डिवाइड कर दिया, मटेरियल लेबर एफएच के नीचे रख कर 0.30, 2.20 और 1.10 आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब क्योंकि आपका आ गया है लॉस, याद रखना है जहां पर आपका आ जाता है लॉस वहां पर आपने निकालनी होती है रिवाइज यूनिट कॉस्ट, या फिर आपने यूनिट्स ऐड करते हो, ऐड करने की सूरत में भी जो हम डबल ऐड करते हैं, हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी हम लोग रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो अपने बात हमें माइंड में रखनी है, इसका फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स। 33,000 आपके यूनिट्स जो रिसीव हुए थे, 1500 का आपको लॉस हो गया है, 31,500 आ गया, आपने डिवाइड किया 311,850 को 31,500 पर, 9.90 की आ गई पर यूनिट रिवाइज कॉस्ट। वापिस चलते हैं कॉस्ट चार्ज डिपार्टमेंट पर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने मटेरियल लेबर एफएच की रिस्पेक्टिवली पर यूनिट कॉस्ट लिख दी 3.3, 2.2 एंड 1.1, इनको ऐड अप किया 6.60 हो गया, आपकी आगे रिवाइज यूनिट कॉस्ट 9.90। जिस वक्त आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया है, उस सूरत में आप फिर प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पुरानी कॉस्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि 9.45 है, ठीक है? फिर आप ये रिवाइज यूनिट कॉस्ट को ही ऐड कर देते हो, 6.60 में आपने ऐड किया 9.90, तो आपका हो गया 16.50 कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, और टोटल आपका कॉस्ट आ गई 5,09,850 रुपीज। इसको हम लोग साबित करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस का स्केड्यूल बनाते हैं। जी आपके आगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस में आपने कॉस्ट ट्रांसफर की थी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, तो आपने लेने हैं जितने आपने यूनिट्स आगे ट्रांसफर किए थे, वो क्या आपको 29,000 और 16.5 टोटल कॉस्ट आई, या आपकी आगे टोटल कॉस्ट 4,78,500। फिर आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसिंग एंट्री निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपको जो रिसीव हुई थी जी 9.9, क्योंकि आपने यहाँ पर लेनी है कौन सी रिवाइज यूनिट कॉस्ट, याद रखना है जिस वक्त आपने रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकाल ली है तो वो आपने ले जाकर लेनी है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, ठीक है? वहाँ पे आपने 9.90 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किया जितने आपके स्टीलिंग प्रोसेस थे 2500 थे, तो ये 24,750 आ गया। और जिस वक्त कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट में जाना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट है एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन में, तो आपने याद रखना है आपने यहाँ पर जो आपने यूनिट्स मटेरियल लेबर के लिहाज से आपने निकाले हैं
एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन के 1000 निकाले थे ना, 30,000 तो अलग थे, वो आपने टोटल कर दिया था, या आपने 1000 टोटल निकाले थे, तो वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, और उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मटेरियल लेबर एंड एफएच की रिस्पेक्टिव कॉस्ट से, 3.30, 2.2 एंड 1.1, 3200 और 1100 आपने ऐड किया 24,750 में, तो आपका आ गया 31,350 इनको टोटल किया आपने 4,78,500 में, आपका आ गया 5,09,850 लेवल कॉस्ट मैच पे, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ 728। जी स्टूडेंट्स आपका 728 क्वेश्चन आ गया, एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद नॉर्मल लॉस, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 515 ऑफ अलीशा केमिकल कंपनी receives 20,000 units from proceeding department at a unit cost of rupees 28.50. अब आपने cost of proceeding department निकालनी है, तो आप 20,000 को multiply कर दोगे 28.5 से, तो आपका आ जाएगा 517,000 proceeding department की cost। अच्छा, उसके बाद and transfers to next department 17,000 units, 17,000 units उसने next department में transfer कर दिए, 2,000 units are प्रोसेस है आपके, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन प्रोसेस यूनिट्स इज एस्टिमेटेड एज 1/2 यूनिट्स, 1/6 कंप्लीट, 1/3 यूनिट्स, 1/4 कंप्लीट, 1/6 यूनिट्स, 1/2 कंप्लीट, रिमेनिंग यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस, ठीक है जी, बगैर यूनिट फर्स्ट के वो जी प्रोसेस में लॉस्ट हो गए। ड्यूरिंग द मंथ द डिपार्टमेंट एड्स डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट रुपीज 3,58,750 and incurs direct labor cost rupees 2,58,125 and factory overhead 1,70,625, ठीक है जी, ये उसकी कॉस्ट है जो उसने इनकर किया तीनों की, तो आपने बनानी है सीपीआर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। बढ़ते हैं उसकी तरफ सॉल्यूशन की तरफ। जी स्टूडेंट्स 728 क्वेश्चन आपका, विद एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन नॉर्मल लॉस, ठीक है, अलीशा केमिकल कंपनी डिपार्टमेंट नंबर 515 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग, क्वांटिटी स्केड्यूल आपका आ गया यूनिट्स एंड यूनिट्स, यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके यहाँ जी 20,000, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आपके थे 17,000, यूनिट्स आपके लॉस्ट हो गए 1,000 और यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस एंड 2,000 के, आपने तीनों का एडअप किया आपका आ गया 20,000 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जी 1/2 यूनिट्स, 1/6 कंप्लीट, 1/3 यूनिट्स, 1/4 कंप्लीट एंड 1/6 यूनिट्स, 1/2 कंप्लीट, वही चीज आप इसके यूनिट्स निकाल दोगे 2,000 के, तो जितने कंप्लीट है आप उसके लेते हो गए सेम उसी की तरह। उसके बाद आपने निकालना है कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट का टेबल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपको 5,17,000 आपको मैं बताया था, और पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाली 8.5, और कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर एफएच की आपको दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर 3,58,750, ऐसे आपने रिस्पेक्टिवली लिख दी, इनकी आगे 7,87,500, इसको आपने ऐड अप किया 5,70,000 में, आपके आगे 13,57,500, और अब आपने निकाली इनकी पर यूनिट कॉस्ट। तो बढ़ते हैं हम लोग एडिशनल कंप्यूटेशन की जाने। जी स्टूडेंट्स एडिशनल कंप्यूटेशन में अगर आप देखते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी है यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 17,000 है, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस है आपके 2,000 का आपने लिया हाफ, और इसका आपने लिया 1/6, 166.67 ऐसे आपने दीगर के साथ ले लिया, तो 166.67 का सेम ही आया है, ठीक है, और ये आपके टोटल एडअप होकर हो गए 500 यूनिट्स, तो 17,000 में आपने जमा किए 500, तो आपका आगे 17,500 ये आपके होके एवरेज यूनिट्स जो कम्प्लीटेड आपके हुए हैं 500 हुए हैं, और ये 500 आपके कहाँ पे काम आने हैं, जब आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकालनी है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी क्लोजिंग में, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस के फॉर्मल में, ये वहाँ पर आपके 500 काम आएंगे, हर एक साल मल्टीप्लाई करते होते सिंपली में, और 17,000 आपने इसमें ऐड कर दिया, तो आपके 17,500 ये आपके काम आएंगे यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। जी आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल लेबर एफर्ट्स का कॉस्ट दी गई हुई है, और उसको आपने डिवाइड कर देना 17,500 का एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन का यूनिट्स आए टोटल, तो आपकी 20.5, 14.75, 9.75 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। आपने निकालनी है डिवाइस पर यूनिट कॉस्ट, तो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई टोटल गुड्स यूनिट्स, तो 517,000 थी टोटल गुड्स यूनिट्स आपके 20,000 पर रहने हैं, जो कि आपने थे 20,000 आपने वहां से किए थे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए थे, यानी कि आपने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट टोटल जो यूनिट्स आपके 20,000 थे और 1,000 आपको लॉस हुआ, तो आपके आगे 19,000 आपने लेस किया, तो 517,000 को आपने डिवाइड किया 19,000 पर, तो आपका आ गया 30.00 पर यूनिट रिवाइज कॉस्ट। वापस जाते हैं हम लोग जाके कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जाकर उसको लिखते हैं।
जी यहाँ पर आपने लिख दिया मटेरियल लेबर एवरेज की कॉस्ट के साथ 20.5, 14.75 और 9.75 जमा किया आपने 45.00 आ गया। रिवाइज यूनिट कॉस्ट आपके ये 30.0, तो अब आपको पिछली कॉस्ट लेने की देखने की जरूरत नहीं, तो इसको आप एडअप करोगे तो आपका ये आ जाएगा 75.00। अब हमने कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर कर ली, टोटल 13,57,500 आ गई है और इसकी 75.00 आ गया। हम चलते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के फॉर्मूले पर। जी आपके पास आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में कॉस्ट ट्रांसफर किया आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 17,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे, 75.0 टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई है 12,76,000 आपकी आ गई अमाउंट। उसके बाद आपने निकालनी है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, निकालने के लिए जितने आपके स्टिलिंग प्रोसेस थे वो 2,000 थे, मल्टीप्लाई आपने किया 30.0 का रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट थी आपका आ गया 60,000। कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकालने के लिए मटेरियल लेबर एवरेज की वही एवरेज कंपटीशन आपकी सेम रहेगी, जितनी आपने निकाले थे 500 यूनिट आपने निकाले थे उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे चीजिंग के पर यूनिट कॉस्ट 20.5, 14.75 एंड 9.75, ये 10,250, 7,375 एंड 4,875 आ गया 22,500। एडअप किया 60,000 में तो आपका आ गया 82,500, उसको आपने एडअप किया 12,75,000 में आपका आ गया 13,57,500। ये जी आपके अगर मैच कर गई है कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस में कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर में, तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के तकरीबन 28 तक सवाल कर लिए हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में तो हमने डिस्कस किया ना एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद नॉर्मल लॉस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये चैप्टर नंबर 7 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग 10th स्टार्ट कर दें या मे बी 5 स्टार्ट कर दें, तो आप साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह जैसे जैसे होते जाएंगे आप लोग मैं अपलोड करता जाऊंगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।